जय बैठिए चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वायरिंग इंस्टॉलेशन टेस्ट। जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के बाद बिना सप्लाई के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट होगा इंस्टॉलेशन टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स, दूसरा टेस्ट होगा पोलैरिटी टेस्ट, तीसरा होगा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, चौथा होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, पांचवा होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। यह जांच हम वहां करते हैं जहां पे फेज वायर और न्यूट्रल वायर के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तथा यदि वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है उसके लिए यह नियम लागू करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक मैगर लेते हैं और इस टेस्ट को चेक करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है जो मैगर में मिलती है। ठीक है, ये मैगर का हैंडल होता है और इसमें दो टर्मिनल होते हैं ए और एल टर्मिनल। ई से हम हमेशा न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं और एल से हमेशा फेज वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैगर को हम लगभग 160 आरपीएम पर घुमाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो रीडिंग देता है उसके अनुसार हम जो वायरिंग होता है उसका टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले मेन स्विच ऑफ होना चाहिए। जो ये स्विच दिखाई दे रहा है इसको हम ऑफ रखेंगे और ऑल स्विच ऑन, ये जो स्विच दिखाई दे रहे हैं इसको हम ऑन रखेंगे, और ऑल करंट कंज्यूमिंग डिवाइस डिसकनेक्टेड। जो आपका ऑल डिवाइस होंगे, ये लैंप हो गया, ये भी लैंप और यहाँ पे फैन, इसको हम लाइन से अलग रखेंगे, डिसकनेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको जो मैगर है इसके हैंडल को घुमाना शुरू करेंगे। यदि यह मैगर लगभग 1 मेगा ओम दर्शाता है, उससे कम नहीं दर्शाना चाहिए, 1 मेगा ओम दर्शाता है तो ये जो वायरिंग है हमारी सही है। ठीक है, अगर ये 0 शो करता है ये जो वायरिंग है ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट है। यदि ये वायरिंग ओपन मतलब अनंत शो करता है, मेगर करेक्शन अनंत शो करता है, ये कहीं ना कहीं ओपन सर्किट है। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जब भी हम ओपन टेस्ट करते हैं तो सारे डिवाइसों को लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो सारे डिवाइसों को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम अगला टेस्ट करेंगे पोलैरिटी टेस्ट। यह जानने के लिए करते हैं कि जो स्विच लगे हैं सारे स्विच वे फेज वायर के साथ लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लैंप लेते हैं और लैंप का एक सिरा अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं और एक सिरा फेज के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर लैंप जलता है ये फेज वायर से कनेक्ट है, ऐसे ये सारा काम एक एक करके करते हैं, पहले इस स्विच के साथ, इसके बाद इसके साथ अलग अलग। ठीक है, ये फेज वायर को हम स्विच के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि जब भी हम इसको ऑफ करें तो जो ये वाला जो लैंप दिखाई दे रहा है इसमें कभी करंट ना जाए या अजीवित रहे। ठीक है, हमेशा इसको अजीवित ही रहना चाहिए, नहीं तो कोई अगर लाइट काटने के बाद भी कोई इसे टच करता है तो यहाँ पर करंट आएगी। अगला है अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। यह टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा वायरिंग का अर्थ है वो अर्थ वायर से अच्छी तरह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसके लिए हम एक मेगर लेंगे। तो मेगर को हम 160 आरपीएम पर घुमाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ क्या है, मेन स्विच ऑफ होनी चाहिए, ये जो मेन स्विच है इसको ऑफ होना चाहिए, और ऑल स्विच ऑन, ये जो स्विचे हैं ये ऑन होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर दे रहा है कि अर्थ वायर इज ब्रोकन इफ मेगर सो मोर देन एक मेगा ओम, ठीक है। अगर अर्थ वायर ब्रोक हो जाता है मतलब ओपन हो जाता है तो जो मेगर का रीडिंग होगा एक मेगा ओम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस समय हमें समझना चाहिए कि जो अर्थ वायर है आप अर्थ जो अर्थिंग है अर्थ वायर से नहीं जुटा है, ठीक है। तो इस वायरिंग का ये वायरिंग इस वायरिंग का रेटिंग अच्छी तब होगी जब 0.5 ओम से 1 मेगा ओम से कम हो, 0.5 मेगा ओम से 1 मेगा ओम से कम हो, ठीक है। तब इसमें ये जो आपका अर्थ है वो अर्थ वायर से जुटा रहेगा, ठीक है। तो अगला हम टेस्ट देखेंगे। अगला टेस्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। इस टेस्ट को करने के लिए हम जो अर्थ वायर है ई के साथ कनेक्ट करते हैं मेगर के, और जो लाइन वायर है फेज वायर एल के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसमें डीसी सप्लाई देते हैं और इस मेगर को 160 आरपीएम पर घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, मेन स्विच ऑफ होना चाहिए, ये जो स्विच है इसको आप पोजीशन पर रखेंगे, और ऑल स्विच ऑन जो ये स्विच है इसको ऑन रखेंगे, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए फेज वायर का इंसुलेशन और न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन को दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, तो फेज वायर न्यूट्रल वायर को टेम्परेरी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और मेगर को घुमाते हैं। अगर मेगर 1 मेगा ओम से कम बताता है तो ये इस वायरिंग के इंसुलेशन स्ट्रेंथ तथा अर्थ रेजिस्टेंस का जो बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए वो सही है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।